वेलकम टू माय चैनल काफ़ियाँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नई वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कुछ और नए वर्ड्स। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें हम सीखेंगे बहुत ही इजी एंड अच्छे वर्ड्स। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ड, एंड उसके बाद हम सीखेंगे अक्षर झ। तो चलिए देखते हैं इन दो अक्षरों को हम किस तरीके से इजीली पोम के माध्यम से लिख सकते हैं एंड याद कर सकते हैं, एंड ऑल्सो उससे रिलेटेड पिक्चर्स क्या होती हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला अक्षर हमारे पास है अक्षर ड। ड से डमरू, ड से डाकिया, डाकिया मतलब पोस्टमैन। ड से डमरू बजाता, डम 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 भालू नाचे, छम छम छम। तो इस तरीके से देन हम इसके कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं। ड से डाल, ड से डबल रोटी। तो ये एक ब्रेड की पिक्चर है एंड ब्रेड को हिंदी में डबल रोटी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इस अक्षर ड को किस तरीके से लिख सकते हैं। तो अक्षर ड को लिखना भी बड़ा ही इजी है। तो अक्षर ड को लिखने के लिए मैं थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ, जिससे आपको और अच्छे से दिखे। ये हमारी लाइन है एंड इस लाइन में हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड 5 लाइन्स हैं। अब इसमें जो हम इस लाइन से लिख के यहाँ तक लिखते हैं, तो ये और ये लाइन में हमें बहुत छोटी सी छड़ी बनानी है, बिल्कुल बिंदु के बराबर छड़ी बनानी है, जैसे कि हमने अक्षर छ में भी बनाई थी, उसी तरीके से हम इसमें भी बनाएंगे। देन हमें एक आधा चांद बनाना है और फिर एक आधा चांद इस तरफ बनाना है एंड ऊपर हमें एक छत लगा देनी है। तो इस तरीके से हम अक्षर ड को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा ही इजी है एंड अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो अब हम अपना नेक्स्ट अक्षर देखते हैं, जो कि है अक्षर झ। झ से झंडा, झ से झरना, झ से झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा, प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये एक पोम थी। तो अब हम इसके कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं। झ से झाड़ू, झ से झोपड़ी। तो अब हम देखते हैं कि इस अक्षर झ को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो अक्षर झ को लिखना भी बहुत इजी है। तो देखते हैं अक्षर झ किस तरीके से लिखा जा सकता है। बाबा जी की छोटी सी छड़ी, जितनी बड़ी छड़ी हमने अक्षर ड में बनाई है उतनी ही छड़ी हम अक्षर झ में भी बनाएंगे। फिर बाबा जी मतलब एक चांद, फिर इधर की साइड चांद, मम्मी की अंगूठी और बंदर की पूंछ, फिर एक बाबा जी की ऐसी छोटी सी छड़ी और फिर बाबा जी की बड़ी सी छड़ी और फिर ऊपर छत। इस तरीके से हम अक्षर झ बना सकते हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड
अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड मेरे चैनल को लाइक भी ज़रूर, मेरे चैनल मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कर देना, मेरी वीडियोस पे कमेंट ज़रूर कीजिए एंड इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए जिससे आपके फ्रेंड्स वगैरह के जो बच्चे हैं वो भी ये वर्ड सीख सके. सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.